दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फेसबुक पर पेड ऑनलाइन इवेंट्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक पर जो हमें यहाँ पर पेड ऑनलाइन इवेंट का ऑप्शन मिला है, इससे क्या होता है भाई, क्या बेनिफिट मिलता है, ये सब जानकारी मैं देने वाला। दोस्तों फेसबुक पर पेड ऑनलाइन इवेंट्स करके लोग लाखों रुपए की अर्निंग कैसे कर लेते हैं, सब कुछ इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा फेसबुक पर पेड ऑनलाइन इवेंट्स क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं जिन लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिला है पेड ऑनलाइन इवेंट्स का फेसबुक पर। तो दोस्तों यहाँ पर क्या क्राइटेरिया पूरा करना पड़ता है, कितने फॉलोअर्स होने चाहिए और कितना यहाँ पर आपको वीडियो अपनी अपलोड होनी चाहिए, सब कुछ यहाँ पर सिखाने वाला। तो दोस्तों सब कुछ सिखाने से पहले प्लीज भाई एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाता हूँ, तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिए। भाई चैनल पर पहली बार आए हो, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं रियल कंटेंट अपलोड करता रहता हूँ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं जिन लोगों को ये ऑप्शन नहीं मिला है उन लोगों को कैसे मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर फेसबुक ने कोई भी अभी तक ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं रखा है जो कि यहाँ पर आपको कोई क्राइटेरिया पूरा करना पड़े। दोस्तों यहाँ पर फेसबुक ये ऑप्शन कभी भी आपको दे सकता है, चाहे आपका 1000 फॉलोअर्स हो, 10000 फॉलोअर्स हो या फिर 50000 फॉलोअर्स हो। फेसबुक को जब भी लगेगा कि आप एक अच्छे क्रिएटर हो, अच्छी वीडियोस अपलोड करते हो, अच्छी रील्स अपलोड करते हो, खुद का कंटेंट अपलोड करते हो, तब आपको यहाँ पर फेसबुक खुद से ही ये ऑप्शन दे देगा। तो फ्रेंड्स चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं, एक इवेंट भी क्रिएट करके दिखाऊंगा लोग कैसे यहाँ पर लाखों रुपए की अर्निंग करते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम इसको सेटअप कर लेते हैं, अगर आपको भी ये ऑप्शन मिला है तो सेटअप कर लेना है। तो सबसे पहले सेटअप वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, इसके बाद आपको साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ जाएगा अर्न मनी बाय होस्टिंग पेड ऑनलाइन इवेंट्स। तो दोस्तों पेड ऑनलाइन इवेंट्स कैसे क्रिएट करना है वो भी सिखाऊंगा। तो उससे पहले यहाँ पर सबसे पहले एक बात बता दूं, जिन लोगों का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सही नहीं, वो यहाँ से एडिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके कोने में दिया गया ऊपर, उसके बाद यहाँ पर आपको सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ लगाना है जो पैन कार्ड में हो, वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर सेट कर देना है। तो मेरा गलत था, यहाँ पर नीचे क्लिक करना, अपडेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेव हो जाएगी। यहाँ पर ब्लू टिक पर क्लिक करके और यहाँ पर नीचे से कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो पेज है ओपन हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखो तीन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, तो यहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। तो इसके लिए आपको पेज क्रिएट करना पड़ेगा इवेंट वाला जो होता है, ठीक है। तो उससे पहले एक बात मैं बताना भूल गया था, जो ये ऑप्शन है पेड ऑनलाइन इवेंट वाला कहाँ पर देखने को मिलेगा, सबसे पहले यहाँ पर आपको आना फेसबुक पर, और फेसबुक पर आने के बाद यहाँ पर प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे, प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर क्लिक करना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जैसे क्लिक करोगे आपको मोनेटाइजेशन वाला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ये फेसबुक पेज पर मैं बता रहा हूँ फेसबुक पेज के जो बारे में। तो यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ पर मैंने जैसे सेटअप कर लिया, तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो बाय लिख के आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशन यू आर ऑल सेटअप टू होस्ट पेड ऑनलाइन इवेंट। तो उसके बाद उसे यहाँ पर हमें अब क्रिएट करना है इवेंट डिटेल्स। अब यहाँ पर हम करेंगे जो है इवेंट्स क्रिएट। तो इवेंट कैसे क्रिएट करना है, यहाँ पर इस जो है आपको जब आओगे वहाँ पर क्लिक करके तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इवेंट्स जो है क्रिएट करना है। अब दोस्तों यहाँ पर इवेंट्स का यहाँ पर सबसे पहले नाम रखना है जो आपका क्या इवेंट है। जैसे यहाँ पर आपने देखा होगा कि अभी जो है यूट्यूबर लोगों का एक इवेंट था, जैसे कि लाइक मनोज डे जैसे यहाँ पर उनका एक इवेंट था, उन्होंने यहाँ पर अपना प्राइस रखा था जो कि बिल्कुल भी फ्री नहीं था, लोगों को जो इन्वाइट करते थे उनका प्राइस रखा था, जो लोग आते थे वहाँ पर पैसा देकर जो है वहाँ पर चले जाते थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ इसी तरीके से इवेंट होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए इवेंट नहीं है, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वगैरह होते हैं उनके लिए ये दोस्तों ऑप्शन दिया गया है। दोस्तों मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर जो है नाम वगैरह सेट कर लेना है। देखो मैं जब तक के हर चीज़ कर रहा हूँ आपको वो चीज़ ध्यान से देख लो, तब तक मैं आपको बताता हूँ। तो ये दोस्तों यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं उनके लिए होता है ये ऑप्शन दिया गया होता है। अगर आप एक नॉर्मल क्रिएटर तो ये ऑप्शन आपके लिए बिल्कुल भी बेकार, कोई काम का नहीं है। तो इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से लोग यहाँ पर लाइव आकर के लाइव आएंगे और उस लाइव में जब ज्वाइन होंगे तो उसका पैसा देना पड़ेगा। जो बंदा इन्विटेशन होगा, जो बंदा जो वहाँ पर लाइव उनका शो देखेगा उसको पैसा देकर उस लाइव में ज्वाइन होगा। तो इसी तरीके से ये लोग जो है लाइव में जब ज्वाइन हो गए तो उसका पैसा कटेगा। उसी तरीके से आपको मैं ये भी दिखा दूँगी कैसे यहाँ पर फीस वगैरह भरी जाती है। तो यहाँ पर दोस्तों जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होते हैं वो इस ऑप्शन का यूज़ करके लाखों रुपये की अर्निंग करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने हर एक चीज़ को कर लिया है। आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जो है लाइव जो है जब कोई लाइव आएगा जो इवेंट्स वाला जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह होगा जो या फिर आप एक बहुत फेमस हो, मतलब आपको लोगों को बहुत ज़्यादा जानते हैं, तब आपका यहाँ पर ये ऑप्शन काम आएगा और आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमा पाओगे। तो यहाँ पर देख सकते हो डिस्क्रिप्शन उसके बाद आ जाएगा। नेक्स्ट करना है डिस्क्रिप्शन, या सबसे पहले कैटेगरी चूज करेंगे कि आपका क्या जो है इवेंट है। जैसे यहाँ पर म्यूजिक पार्टी है, मतलब मैं कोई म्यूजिक पार्टी का सिंगर वगैरह आ रहा है उसका उत्सव है यानी कि इवेंट है।
तो यहाँ पर उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर देख सकते हो सब कुछ यहाँ पर लग गया है। अब यहाँ पर फीस वगैरह की बात आएगी तो यहाँ पर फीस कैसे लेते हैं जो इवेंट में, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया, देख सकते हो एडमिशन का नीचे जो है एक ऑप्शन दिया गया होगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर एडमिशन वाला जो है अभी देख सकते हो फ्री है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जब पे आउट का जो है जो पैसा वाला जो फॉर्म एक आता है उसको भी भरना पड़ता है, तब यहाँ पर जाके पैसा वगैरह सब होता है। अगर आप कहोगे कमेंट करके पैसा वगैरह को आप एक फेमस बंदे हो तो अब आपके लिए ठीक है, वरना फिर ये ऑप्शन कोई काम का नहीं है, मतलब बस ऐसे दे दिए गए जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनके लिए ऑप्शन बेस्ट होता है। तो यहाँ पर चलिए दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, अगर आपको वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना अगर नए हो तो।